रखा है आपके माइंड में, कांग्रेस घुसो निकली नहीं है, समस्या हल करने लग रहा है और आप लोग समस्या बढ़ा रहे हो। गद्दार हो, गद्दार हो, गद्दीना हराम कर रखा है आप लोगों ने। हम अपने हाईवे किस लिए, हमारे टैक्स के पैसे से हाईवे बनाए। ताऊ, जब तू छोटा सा था नेहरू नत्रांगली पकड़ी थी क्या? मेरे दादा पर दादा भी है ना, कांग्रेस चलाते थे पहले। अब उनको समझ में आया है कि तुम तो, तुम्हारा टाइम खराब आ जाएगा। इस कांग्रेस ने तो देश का नाश कर दिया। दम है तो करतारपुर साहिब मुक्त कराओ, ननकाना साहिब मुक्त कराओ, तुम्हारा ग्रंथी की बेटियां उठा ले जाओ, उनको मुक्त कराओ। जो कश्मीर में छोटी छोटी बेटियों की इज्जत लूटी गई, सुनता हूँ सुनता हूँ, घर छोड़ कर भागे, तू करे बे मतलब की बात, किसने पकवाई बे? बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह छिल्लर। आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, सिंगू बॉर्डर 2 महीने से ग्रफ्त में है और उसको खाली कराने के लिए लोग आज इकट्ठे हुए हैं। कैसे देखते हैं कि वो रोड खाली हो जाना चाहिए? नहीं भाई, बात ये है, मेरी उम्र अब 83 साल, मई में 83 हो जाएगी, 17/5/38 मेरा जन्म है, तो मैंने 47 भी देखा है। तब मैं 9, 9.5 साल का था, दर्जा 4 मैंने पास किया था। उससे पहले कंपनी राज था, 47 से पहले क्या था, कंपनी राज, ईस्ट इंडिया वाली, हाँ बस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम मात्र का ही था, पढ़ाई पढ़ोई जो है। लेकिन ऐसे हालात तो कभी भी नहीं हुए जैसे अब पैदा कर रखे हैं। ये नियोजित हैं और ये खेल कैसा चल रहा है, रस्सा कसी का खेल होता है ना, 10 इधर लगे 10 इधर लगे, कभी ये खींच लेंगे कभी ये खींच लेंगे। तो इस देश में राजनीतिक पार्टियां जो हैं, इस देश को रस्सा कसी का खेल बनाए हुए हैं, देश को बर्बाद करने पे तुले हुए, बिल्कुल। और मेरा ये मानना है, इस देश को ये गोल गुम्बद जो है ना, पार्लियामेंट हाउस को मैं कहता हूँ गोल गुम्बद, गोल गुम्बद दोबारा जो है कंपनी राज लेने के चक्कर में है। वो कैसे, अरे माल्या करोड़ों का भुगत भोगी, करोड़ों दकार रहा और वह इंग्लैंड में बैठा, अडानी अंबानी जिन्होंने पंजाब बॉर्डर पर कई हजार एकड़ जमीन ले रखी है गोदाम बनाने के लिए, क्या मतलब हो गया, एक मजदूर तो 350 रुपए महीना पाता है और ये इनके पास करोड़ों, और वो कहां से आपके हिसाब से जो आंदोलन चल रहा है वो ठीक है और जो लोगों ने ये रोड जो कब्जा किया वो ठीक है? तीन जो कानून लाए है ना उनके खिलाफ है ये। और कानून से क्या समस्या है? आपने 47 का टाइम देखा और आज का टाइम देखा, सर क्या प्रॉब्लम है कानून में? कानून में तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी धन दौलत सौंप के और फिर जो है करोड़ों लोगों को, 130 करोड़ आबादी को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। अच्छा, गुलाम बनाना चाहती है सरकार, मान लिया, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लाल किले पर जाकर के झंडा फहराते हैं, वो आपके हिसाब से ठीक है? का बात मैं कंडेम करता हूँ इस बात को, कंडेम करने से काम चल सकता है? सुनो मैं बताऊं, अरे गेहूं में भी तो हरेक नाद में गेगला होता है, गेगला समझते हो, गांव वाले समझते है गेगला, और भी कह देते हैं हम। अब इस विचारधारा के खेल में यहाँ तरह तरह के गुस्से हुए हैं, किसानों का कोई मतलब नहीं लाल किले से। पहले तो ऐलान कर रहे थे लाल किले जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे, अब आप कह रहे हो कि जाने का मतलब अलग होता है, लेकिन वहाँ तोड़ फोड़ करना, पुलिस के ऊपर हमला करना फरसे से और तलवार से, वो ठीक था? बिल्कुल, वो तो मैंने कहा सारे हर जगह घुसे हुए किसान एक तरफ कहते हैं जवान हमारे बेटे हैं और वही किसान हमला कर देते हैं उनके ऊपर। मैं कहता हूँ रक्षक है जवान, मैं बातें करता हूँ अभी आया हूँ, और केवल मात्र ये गोल गुम्बद दोबारा कंपनी राज लाने के चक्कर में है और यही हालात रहे ना तो देख लेना दोस्तों नौजवानों, यहाँ कंपनी राज ही होगा। तो क्या लग रहा है कि पहले जो 10 साल प्रधानमंत्री थे ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए आपको? अरे ऐसे प्रधानमंत्री, बात सुन, मैं जब साउथ दिल्ली में रहता था और
मेरे छोटे बच्चे थे और मैं जवान था। INA पर सुपर बाजार बना था, किसका किसकी हुकूमत थी? कनॉट प्लेस में सुपर बाजार बना था, किसकी हुकूमत थी? बोलो आप जवाब दो, किसकी हुकूमत थी? सुपर बाजार किस लिए बना था? क्यों नहीं बोलते? सुपर बाजार बना था, आज कोई अगर कोई बाहर की कंपनी आती है किसानों से लेन देन करती है उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अरे बाहर की कंपनी आती है, क्या बात कंपनी राज कर रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ कि कंपनी राज की जरूरत नहीं है। जूता जूता पहनोगे कंपनी का पर अनाज कंपनी को नहीं बेचोगे? अरे यहाँ बात सुनो, है कमाल कर दिया, अनाज कंपनी को नहीं बेचोगे जूता कंपनी का पहनोगे? भाई बात सुन रहे, बात सुन जरा, एक सेकंड इस बात का उत्तर दूंगा। अरे बात तो सुन जरा, जाति के हिसाब से सुनिए जरा, ये देश जो है, अरे बात सुने नहीं, जाति एक सेकंड महाराज, जाति के हिसाब से भी बटा हुआ है ये देश। तभी तो कह रहे हैं कि तभी तो आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हरियाणा के जाटों ने हंगामा किया आंदोलनकारियों में। जरा मोठी का काम जो है, मोठी का काम भी तो था, आप कह रहे हो कंपनी का, वो मोठी का काम भी छीन लिया और उनके बच्चे हमारे साथ बैठकर पढ़ते थे। अरे पब्लिक स्कूल अलग, 10-10 हजार, 1.5-1.5 हजार फीस, और गरीबों के बालक अलग, वो वही कारपोरेशन के फर्श पर रख। ये देश की तरफ किधर ले जा रहे हैं? ये देश को किधर ले जा रहे हैं? केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि शिक्षा तो हम सबको दे रहे सरकारी स्कूलों में, भागों में दिल्ली को बांट रखा है। किसने बांटा? किसने बांटा? मैं कह रहा हूँ किसने बांटा? पार्लियामेंट हाउस ने, और सारी सारी ताकत जो है, इससे पहले नहीं था, 14 के बाद ही बांटा गया। हाँ इस हुकूमत ने बांटा सारा, पहले सब ठीक था। बात पे ही बांट गया, बात पे ही बांट गया। सबसे पहले आपकी बहुत सुनी, एक मिनट मेरी बात, बोलते रह गई, आप ना बूढ़े हो गए, आपके दिमाग में कांग्रेस घुसी हुई है, वो कांग्रेस निकली नहीं है, आपके माइंड में कांग्रेस घुसी हो निकली नहीं है। नहीं नहीं अगला वाक्य मत खेलवाओ मेरे से, तो कह दो ना, ना कैसे बात आए छोड़ो, नहीं ना आप जो है, मैंने आप मैंने बात सुनो, मैं कह चुका हूँ, 270 हटाई की नहीं हटाई, समस्या हल करने लग रहे हैं और आप लोग समस्या बढ़ा रहे हो। किसानों की समस्या, किसानों की समस्या आगे ले जाने की तरक्की, हल नहीं करने, अरे बात तो सुन जरा, बात सुन रहा है तरक्की, बात सुने, हाँ भाई बात सुनो, इस भाई का उत्तर दे रहा हूँ मैं रोज, अरे बात सुन, रोजाना हमारी जो 20-22 करोड़ आबादी, 36 करोड़ आबादी के नौजवानों को मारिए, रोजाना 2 बार जा चुके मैं कश्मीर, दो बार जा चुका, जो काम भी तुमने करे रुक जाए, अब जो क्यों मर रहे हैं हमारे नौजवान? कौन पुलिस में जो पत्थर फेंकते हैं वो ठीक है क्या कश्मीर में? बात छोड़ो, पलट ये क्यों फेंके जा रहे हैं पत्थर? क्यों फेंके जा रहे हैं तुम बताओ? 2.5 लाख डॉलर सिग फोर जस्टिस है वो कहता है कि लाल किले पर झंडा फहरा दो और जाके फहरा देते, ये किसान हो सकते हैं? मैं बात कर रहे हो, गद्दार हो, गद्दार हो, गद्दार हो, गद्दार हो, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की। ये सारे मोदी विरोधी है, ये सारे मोदी विरोधी, असली किसान को तो खेतों से ही। बाबूजी एक बात और जानना चाहूंगा, क्या कानून ही बेकार है या फिर मोदी ही बेकार है? बात सुनो, नाम तो मैं किसी का लिया नहीं करता, लेकिन मेरे तो रहे 2014 से जो सत्ता आई है वही बेकार है। मैं मानता हूँ आप भीड़ में और मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेले नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अरे मैं पूरा देश आपके साथ है। तू बात हमारा जीना हराम कर रखा है आप लोगों ने, हम अपने हाईवे किस लिए, हमारे टैक्स के पैसे से हाईवे बनाए, हम गाड़ी खरीदते हैं 28% GST देते हैं, सड़क पे चलते हैं टोल टैक्स देते हैं, जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तब देते हैं, नेहरू हम सड़क पे चल नहीं सकते, सड़क पे तुम बैठोगे,
ताऊ ना, जब तू छोटा सा था नेहरू नत्रा आंगली पकड़ी थी क्या? नेहरू वो माइंड आपका निकल नहीं रहा? मैंने देखा था, मैं भी मेरे करता। मेरे दादा पर दादा भी है ना, कांग्रेस कांग्रेस चलाते थे पहले, अब उनको समझ में आया है कि तुम तो तुम्हारा टाइम खराब आ जाएगा। इस कांग्रेस ने तो देश का नाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। और आप जैसे लोग ने अपनी औरत नहीं रखी, पत्थरबाजों की। वो पत्थरबाजों की बता, कांग्रेस की बात होता हूँ, होता हूँ कश्मीर में पत्थर फेंका उसकी बात बता। भाई साहब मैं अपने हक की बात करता हूँ। जब मैं गाड़ी खरीदता हूँ 28% GST देता हूँ, टोल टैक्स से निकलता हूँ, टोल टैक्स देता हूँ। उसके बाद जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, बाबूजी सबसे बड़ी बात है, कि जो आंदोलन हो रहा है, जो सड़क पे चल नहीं सकते, सड़क पे बैठेंगे आप। सुनो सुनो ताऊ, एक बात बता, देखो और सुनो ताऊ, एक बात बता, कश्मीर सुनो सुनो ताऊ, सुनो सुनो, मैं देशद्रोही हूँ। करतारपुर साहिब मुक्त कराओ, ननकाना साहिब मुक्त कराओ, तुम्हारे ग्रंथि की बेटियां उठा ले जाओ, उनको मुक्त कराओ। सुनो भाई, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, है हिम्मत, न चलो अपने ट्रैक्टर, चलो करतारपुर ननकाना साहिब चलो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। बात क्यों नहीं सुनते? बात सुनो, मेरी भी सुनो ने भाई, एक आने लगे बात सुनो, देखो बात सुनो भाई, रुक जा दो मिनट ना भाई, मेरी बात सुन लो। इसने ननकाना साहिब की और करतारपुर साहिब की बात की है, क्या इससे ज्यादा भी ताकत आएगी ग्राउंड हाउस के पास? क्या मोदी क्या के पास इससे ज्यादा ताकत देगा? यह देश जो लोग दूरबीन से उसको दर्शन करते थे, ऐसे गद्दारों से सावधान जो हमारे देश के विरोध में बातें करते, खाते हमारे और गाते पाकिस्तान की है, ऐसे विरोधी। जो कश्मीर में छोटी छोटी बेटियों की इज्जत लूटी गई, सुनता हूँ सुनता हूँ, वे घर छोड़कर भागे, तू करे बेमतलब की बात, किसने भगवाए वे कश्मीरी पंडित, किसने भगवाए, उनकी इज्जत लूट ली गई। तो ये बहस आपने देखी यहाँ पर, इस तरह की बहस है। आंटी जी क्या कहेंगी? देखिए अभी हम अंदर तक का गए, ठीक है ना, और आज अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है और बहुत गर्मा गर्म माहौल है। अभी इससे पहले शायद जो है इन लोग गांव के लोगों ने करा होगा लड़ाई, गांव के लोगों के साथ जो लड़ाई हुई है उसमें अभी इन लोगों ने अंदर प्लान किया है कि साहब हम गए तो हम रुक गए थोड़ी देर चाय वाय पीने के लिए, मेरे साथ एक और भी है वो रुक गई, क्योंकि वो अपनी पंजाबी भाषा में बात कर रहे थे इसलिए वो समझती थी सारी भाषा। हाँ यही इन्होंने मुझे बताया कि आगे यहाँ आकर के कि इन लोगों ने ये तैयारी करी है कि जो है गाँव के लड़के जितने आए थे लड़ने के लिए उनको जो है मारेंगे ढूंढो, और एक बंदे को किसी को पकड़ के लेके गए भी हैं। अच्छा। और दोनों साइड से बाहें ऐसे पकड़ करके एक इधर से और एक इधर से, कई लोग पीछे गए उसको मारने के लिए। उसने और वो जैसे MCD वगैरह के होते हैं ना, ग्रीन कलर का पहनते हैं, उसने ऑरेंज कलर का वो वैसा पहन रखा था अपने कपड़े के ऊपर। आपने पुलिस से शिकायत की इस बारे में? मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, उन्होंने कहा ऐसा है आप हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनको बोले, तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं आपके बड़े अधिकारी कहाँ हैं, मगर आप जो है उनको खुद बोल दीजिए, और मेरा नंबर चाहिए तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे देती हूँ। आप सुन के आई हैं? आप क्या सुन के आई हैं? मैंने देखे दो तीन आदमी थे, एक पतले से लंबे से लड़के को पकड़ के लेके जा रहे, सिर पर व्हाइट रंग का काले रंग का उसने घूंघट काट रखा था, हाँ तो संतरी रंग की कमीज पहनी हुई थी, हाँ तो वो कह रहे थे इसको उधर ले जाओ परली तरफ। अच्छा। हाँ लागे उधर नु लागे। तो उसके साथ मारपीट भी की जा रही? मारपीट आगे ले गए थे, आगे जाके मारे आए मैं नहीं कह सकती। अच्छा। आगे ले गए थे उन्होंने घूंघट काट रखा था उसने काले रंग का बोतल।